नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा, और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता डॉक्टर सुरभान यादव जी मौजूद हैं और एक मंदिर पे हैं, और काफ़ी विशाल मंदिर है। यहाँ पे चार दिन से हवन यज्ञ का चल रहा है जो कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में चल रहा है। डॉक्टर साहब खुद हवन यज्ञ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या प्रोग्राम है? धन्यवाद। बाबा बांदेत की जय। ये देव स्थान है, लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे क्षेत्र के सभी लोग, जब भी कोई शादी विवाह होता है, नए लोग यहाँ आके सिंदूर चढ़ाते हैं। कोई फसल कटती है तो फसल पहले यहाँ चढ़ाई जाती है, और कोई नया, जब भी कोई निमंत्रण शुभ कार्य होता है, निमंत्रण सबसे पहले यहाँ देते हैं। पूरे क्षेत्र में आस्था का केंद्र बनाए हुए हैं बाबा बांदेत जी। तो हम लोग भी बचपन से आते जाते थे, तो हम लोगों को भी जो है, जब यहाँ मंदिर देखा तो जीर्णोद्धार कराया इसका 2016 में। जब जीर्णोद्धार कराया, यहाँ माँ भगवती भोलेनाथ और बजरंग बली की प्रतिमा का यहाँ जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उस समय जो कार्यक्रम हुआ 16 में, तो वो जो है इसमें 4 दिवसीय के बजाय 5 दिवसीय कार्यक्रम था। 26, 27, 28, 29 और 1, जब भी फरवरी 29 की होती है तो 5 दिवसीय हो जाता है। नहीं, तब से 2016 से यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहा है, विगत 8 वर्षों से। अब की 8वीं बार है ये, तो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है हमारा, 26, 27, 28, 1, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग, सब लोग आस्था से आते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। आप देख ही रहे हैं, मंगलवार शनिवार तो यहाँ आते ही आते हैं लोग, और वैसे भी जब ये पूजा होती है तो पूरा क्षेत्र यहाँ सहयोग करता है, यहाँ पर आते हैं, हवन करते हैं। हम बात करें अब डॉक्टर साहब पॉलिटिकल बात करें, कि इस समय उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की घटना को देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लेके क्या है? लॉ एंड ऑर्डर तो अब देख ही रहे हैं आप, चारों तरफ यही छाया हुआ है। बताइए, यहाँ लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस में, जीरो टॉलरेंस में क्या है? खुलेआम दिन दहाड़े गनर जिनकी सुविधा सुरक्षा में लगे हुए हैं, गनर की भी हत्या हो जा रही है, उसके बावजूद भी जो है जीरो टॉलरेंस का हो रहा है। अभी देखिए, एक प्रधान और प्रतिनिधि को गोली मार दी गई है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं। कहीं कोई ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, केवल हवा हवा में है कि जीरो टॉलरेंस चल रहा है। विधानसभा में तो काफ़ी बहस हुई इसको लेके, लेकिन वही योगी जी कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे चाहे जो भी अपराधी गुंडे छोड़ के। नहीं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई आपकी जीरो टॉलरेंस कहाँ है। माननीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं, उनके भाषण में भी देखा, उन्होंने प्रश्न उठाया कि बेरोजगारी, इकोनॉमी पर बात करिए, और जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, खुलेआम हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार की वो बढ़ रही है, लेकिन फिर वही मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके अलावा कुछ ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। ज़मीन पर दिखना चाहिए, जनता लाभान्वित होनी चाहिए कार्य से, बेरोजगारी बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, बस सब चल रहा है कि हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा ज़मीन पर। लास्ट सवाल, कितना सब प्रभाव पड़ेगा सामने 24 का चुनाव, साल भर और 23 चल ही रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है, इनकी सारी नीतियाँ फेल हो चुकी हैं। अगर ये थर्ड फ्रंट, और जैसे नेताजी को हमारे माननीय युवा समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर देश ने एक्सेप्ट किया, तो इनके नेतृत्व में भाजपा सरकार इस बार उखड़ जाएगी, और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है अपने लोगों के। तो अभी जनसंख्या पे जो चल रहा है कि काउंटिंग कराई जाए, सारे दलों के लोग जो उधर बैठे हुए उनको, उनकी भी सहमति है। उस दिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने सबको उठा लिया, सबने एक जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके हिसाब से सबका अपना अपना जो अधिकार है वो मिलेगा। जब बात यही होती है ना, उसमें भी जो विपक्ष में लोग बैठे हुए कहते हैं जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसकी वैसी भागीदारी है, तो कैसे होगा? जब तक ये डिसाइड ही नहीं होगा किसकी भागीदारी, किसकी जनसंख्या कितनी है, भागीदारी कैसे करवाओगे आप, कैसे उनका हक दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर सुरभान यादव जी थे, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता सागन से हैं, जौनपुर से, और लगातार समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, विपक्ष को घेरने में हमेशा कायम है। विधानसभा में लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी 24 की तैयारी कर रही, तीसरा फ्रंट भी बन रहा है। अब देखना यह है कि साल भर बाद 24 का चुनाव होना है, कैसा माहौल रहता है, क्या रिजल्ट आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।